17 सितंबर से 21 सितंबर के बीच जनपद के 4 थाना क्षेत्रों में 5 मोबाइल व पैसे की छिनैती की घटनाएं घटित हुई थी, जिनमें बाइक सवार बदमाशों द्वारा कुछ व्यक्तियों के मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, पर्स वगैरह छीन लिए गए थे। इन घटनाओं के अनावरण के लिए चारों थाना अध्यक्षों के साथ साथ एसओजी व सर्विलांस टीम को भी लगाया गया था। आज 23 सितंबर को एक हफ्ता के अंदर इन घटनाओं का अनावरण करते हुए थाना गंभीरपुर की टीम द्वारा इस बाइकर गैंग के 3 बदमाशों शुभम सोनकर, प्रिंस यादव व धीरज सोनकर को गिरफ्तार किया गया, जिनके द्वारा 5 लूट की घटनाएं कारित करने की बात स्वीकार की गई। इनके पास से अवैध शस्त्र, कारतूस, लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व लूट का सामान बरामद हुआ। इसी गैंग के एक सदस्य शिवम सोनी को थाना गंभीरपुर की टीम के द्वारा पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इसके दाहिने पैर में गोली लगी है, इसको उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। इसके पास से अवैध शस्त्र, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, लूटा गया टैबलेट बरामद किया गया है। इसी गैंग के एक अन्य सदस्य मोहम्मद अनस को थाना कप्तानगंज व अतरौलिया की संयुक्त टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इसके बाएं पैर में गोली लगी है। इसके पास से एक अवैध तमंचा, 315 बोर कारतूस व लूटे गए कुछ कागजात बरामद हुए हैं। इस प्रकार अभी तक इस गैंग के 5 बदमाश पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें 2 पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल हुए हैं और अब तक इनके पास से कुल 3 अवैध तमंचे, कारतूस, लूटे गए टैबलेट, 3 मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल, लूटे गए पैन कार्ड, आधार कार्ड, ATM इत्यादि व 7,000 रुपये बरामद किया गया है। इस गैंग में अभी तक विवेचना से लगभग 11 सदस्यों की जानकारी हुई है। शेष 6 बदमाशों की तलाश व गिरफ्तारी के लिए 6 अलग अलग टीमें गठित कर लगातार दबिश की कार्रवाई चल रही है। ऐसे अपराधियों के साथ कठोरतम विधिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा अमल में लाई जाएगी। इसके साथ साथ इनको शरण देने वाले या इनकी मदद करने वालों की भी कानूनी को भी कानून की जद में लेकर गैंग चार्ट का हिस्सा बनाकर गैंगस्टर की कार्रवाई और गैंगस्टर एक्ट के तहत इनकी संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई और हिस्ट्रीशीट खोलने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।